नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं नॉलेज विद राहुल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके एक्टिवा के जो डैशबोर्ड आता है या इंटीरियर जो बोलते हैं एक्टिवा का, उसके ऊपर जैसे देख सकते हैं मेरी एक्टिवा के अंदर काफ़ी सारे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, तो इसको कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये सब कि इसको कैसे निकालते हैं बिल्कुल 3 स्टेप्स के अंदर। तो दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं कि आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जो आपको फर्स्ट थिंग चाहिए वो है एक वैक्स पॉलिश, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ सुपर वैक्स पॉलिश एक्स्ट्रा शाइन। तो ये दोस्तों मुझे पड़ी है करीबन 25 रुपये, MRP इसकी लिखी हुई है, आप इसको कहीं पर भी अपने नज़दीकी स्टोर में जाकर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, और हमें सेकंड थिंग जो हमें चाहिए वो है ये कपड़ा, तो ताकि हम जब भी इसको वॉश करें तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी जो डैशबोर्ड है उसको क्लीन करने के लिए। और जो थर्ड थिंग चाहिए वो है हमको दोस्तों पानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे इसको आप क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे है मेरे पास पानी और अब मैं इसको थोड़ा सा डैशबोर्ड के ऊपर डालूंगा ताकि जो भी मिट्टी है वो निकल जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, हमको करना होगा इसे क्लीन किसी भी सूखे कपड़े से। तो दोस्तों, ये रहा मेरा सूखा कपड़ा और मैं इसको ऊपर घुमा देता हूँ, अच्छे से रब कर देता हूँ ताकि कोई भी जगह पानी ना छूटे, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपको दोस्तों इसको अच्छे से रब करना होगा ताकि कहीं पर भी पानी ना छूटे। अगर कहीं पानी छूट जाता है तो दोस्तों वहाँ पर आपकी पॉलिश अच्छे से नहीं लगेगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब दोस्तों, हम यूज़ करते हैं पॉलिश, तो वो कैसे लगानी है वैक्स पॉलिश, अब मैं उसका आपको एक परफेक्ट तरीका बताऊंगा ताकि आपके जो स्क्रैचेस है ये अच्छे से निकल जाए। तो चलिए, अब हम देखते हैं पॉलिश कैसे यूज़ करनी है आपको। तो दोस्तों, ये पॉलिश अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ से अभी मैंने निकाल ली है ये पॉलिश बाहर की तरफ। तो दोस्तों, अभी मैं आपको यूज़ करना इसको सिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको इसको ओपन करना होगा, जैसे मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब दोस्तों, इसको यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करना होगा डैशबोर्ड के ऊपर, जैसे दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ अप्लाई कर दिया है। अब आपको इसको थोड़ा सा स्क्रब करना है, यानी रब करना है। दोस्तों, ऐसे ही आपको इसको रब करते रहना होगा जब तक कि ये सारे स्क्रैचेस निकल ना जाए। मैं दोस्तों आपसे मिलता हूँ एक बार कि मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ वापस। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कर दिया है स्क्रब और आप देख सकते हैं कि इस डैशबोर्ड के अंदर काफ़ी अच्छी सी शाइनिंग आ गई है और ये काफ़ी सा स्मूथ भी हो गया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, ये ट्रिक आप अपने किसी भी बाइक के ऊपर या किसी भी कार के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।